अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रीमी, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स के साथ यानी कि कॉर्नफ्लोर के साथ हम बनाएंगे ये मज़े की जो है वो आइसक्रीम, जो कि बाज़ार से है, जो बहुत ज़्यादा मुख्तफ होगी, बहुत ज़्यादा मज़े की होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी और बहुत ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो हम घर में इसको रेडी कर लेंगे। इसको हम तीन मुख्तलिफ कलर्स में जो है वो बनाएंगे और ये देखिए आप इसका टेक्स्चर चेक करें, बहुत ही क्रीमी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए, फुल फैट मिल्क, चीनी चाहिए, कॉर्नफ्लोर चाहिए, ठीक है। ये हमारे जो हैं वो मेन हैं। यहाँ पे जो है वो मैं 1 kg जो है वो मिल्क यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपको 1 कप की जो है वो रेशो इसकी बता देती हूँ कि इसमें आपने कितनी लेनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है वो 1 kg मिल्क लिया, आप 1 कप से भी ले सकते हैं। ये वाला मैंने चम्मच यूज़ किया, आप सिंपल जो है वो जो चाय के चम्मच होते हैं वो यूज़ कीजिएगा, ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। 1 कप में जो है वो 3 कॉर्नफ्लोर के जो चम्मच जो होते हैं ना वो जाएंगे। और इससे जो है वो मैं चीनी डाल रही हूँ, ठीक है। और ये जो है वो 6 चम्मच जाते हैं, ठीक है। सिंपल आपने जो है वो टेबल स्पून जो होते हैं ना खाने के चम्मच वो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास मेजरिंग टीस्पून नहीं है, टेबल स्पून नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आपने पहले अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करके चीनी और कॉर्नफ्लोर को दूध के अंदर, तो आपने जो है वो चूल्हे के ऊपर रखना है इसको, ताकि जो है वो पहले जो है वो लम्स ना बने, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए विस्क की मदद से आपने इसको जो है वो मुसलसल मिक्स करते जाना। अभी ये थोड़ा सा थिन है तो यहाँ पे जो है वो मैंने मीठा भी चेक किया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने 2 जो है वो चम्मच और डाली थी, ऐड की थी, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने क्रीम भी ऐड करनी है, तो इसलिए मीठा थोड़ा सा बैलेंस रहे। तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। देखो यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो है वो थिक हो गई है ये। और ये देखें जी, मैंने यहाँ पे जो है वो शुगर ऐड की थी, आप भी इस तरह से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे जो है ये पक रही है और बस हमारा जो है ये जैसे ही थोड़ा सा और गाढ़ा होता है हम इसको जो है वो चूल्हे से उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम का एसेंस ऐड किया, आप इलायची पाउडर ऐड कर लें, कॉर्नफ्लोर वो वनीला एसेंस, या आप स्टैचू कोई सा भी आपके पास हो फ्लेवर वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ ये परफेक्ट जो है वो है, ये देखें इस तरह से। इसके बाद हमने इसको रैप कर देना, अच्छी तरह से कवर कर देना, ताकि ऊपर जो है इसका मॉइस्चर जो है वो लॉक रहे और ऊपर जो है ये इसकी जो है वो लेयर जो है वो हार्ड ना हो। 1 कप मैंने जो है वो क्रीम ली थी, पूरा मैंने डब्बा ले लिया था, ठीक है। वो हम इसको जो है वो ठंडा इसको चिल करके फिर हमने जो है वो है इस तरह से हमने मशीन की मदद से इसको जो है अच्छी तरह से फेंट लेना है। आप जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो ठंडा भी हो गया था ये और गाढ़ा भी काफ़ी हो गया है, तो हमने इसको भी अच्छी तरह से जो है वो इस तरह से इसको फेंट लेना है, ठीक है। आप जूसर के अंदर भी इसको डाल के कर सकते हैं। तो हमने अब इसके अंदर जो है वो ऐड करना है जो हमने क्रीम का मिक्सचर तैयार किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने जो है वो इन दोनों को जो है वो अच्छी तरह से दोबारा से मशीन चला देनी है और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और आप इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत ज़्यादा क्रीमी है। और अब हम इसको जो है वो कलर देंगे मुख्तलिफ। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 जो है वो टिन लिए थे, प्लास्टिक के ही आप ले लें, ठीक है। एक मैंने वाइट रखा था, एक मैंने ग्रीन बना लिया था और एक जो है वो मैंने शोकिंग पिंक बनाया था। आप अपने मर्जी के फ्लेवर कोई भी बना सकते हैं। वो यहाँ पे जो है वो तीनों कलर जो है वो रेडी हो गए थे, ये देखें इस तरह से। और ये जो है वो मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटे हमने फ्रिज में रखना है। और ये ऊपर से जो है मैंने पिस्टाचू लगा दिए, थोड़े से जो है वो मैंने चोको चिप ऐड कर दिए थे। आप अपनी मर्ज़ी के कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, टूटी फ्रूटी ऐड कर लें आप। और ये देखें हमारी जो है वो आइसक्रीम जो है वो बन के रेडी हो गई, बहुत ही मज़े की जो है वो बनी है और बहुत ज़्यादा क्रीमी थी, बहुत मज़े की, डिलीशियस और बाज़ार से कई गुना अच्छी और बहुत ज़्यादा भी बन जाती है। तो इस तरह से हमारे कॉर्नफ्लोर से जो है ये देखिए कितनी मज़े की जो है वो हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग भी लाजमी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा इसको। उम्मीद करती हूँ आप लोग को जो है वो रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। आपसे मिलते हैं अभी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।